नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। युवक युवती परिचय सम्मेलन मंच पर खुलकर युवक युवती ने दिया अपना परिचय। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को तोमर गार्डन में आयोजित किया गया। इस परिचय सम्मेलन में शहर व अन्य शहरों से भी समाज के लोग एकत्रित हुए। कई माता पिता अपने अपने बेटी और बेटों को लेकर इस परिचय सम्मेलन में शामिल हुए और अपने परिवार का परिचय दिया। प्रमोद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की सदस्य, वहां प्रदेश महासचिव मुकेश चतुर्वेदी उपस्थित रहे। चौपन थाना नगर स्थित पोस्ट ऑफिस के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तस्दीक करते हुए पाया कि मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिस पर मृतक का नाम मोहम्मद इल्ताफ लिखा है। आधार पर उसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग है। शिनाख्त की कार्रवाई के उपरांत पंचायत की कार्रवाई की जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेजुबान पक्षियों के लिए गर्मी से प्यास बुझाने के लिए पानी परिंडा बांधने का अभियान प्रारंभ किया। जिला संयोजक कुमार विक्रम शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में हजारों पक्षी पानी नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। उन्हीं की रक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष यह अभियान चलाती है। पूरे जिले में विद्यार्थी परिषद ने करीब 1000 परिंडे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान 7 चरणों में चलेगा। कामा इकाई ने आज पहले चरण विभिन्न स्थानों पर 21 परिंडे बांधकर उनमें प्रतिदिन पानी भरने का संकल्प लिया। इस मौके पर नगर निगम मंत्री मनीष बंसल और जिला कार्यकारिणी सदस्य कुंज बिहारी शर्मा भी मौजूद रहे। गढ़वा जिले में इस भीषण गर्मी में बिजली की बदहाली से बेहाल लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा और लोग घरों से निकलकर आज सड़क पर जाम किया। बिजली संकट से जूझ रहे लोग आज सुबह बस स्टैंड के पास धरने पर बैठ गए। बिजली की बदहाली से बेहाल लोगों ने सरकार एवं बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शंभुनाथ शुक्ला, नीरज कुमार, विकास पाल समेत कई अन्य लोगों के नाम शामिल। आज हम लोग सड़क जाम किए हुए, NH-75 जाम किए हैं। इसके पूर्व भी जाम किए हुए थे, अनशन भी किए हुए थे, उसके बाद भी बिजली विभाग लगातार लापरवाही बरती है। आधे घंटे मुश्किल से बिजली मिल रहा है हम लोगों को। 24 घंटा में आधा घंटा बिजली मिल रहा है, वो भी क्वालिटी की बिजली नहीं है, उनका कोई गुणवत्ता नहीं है। 5 मिनट में ट्रिप कर जाता है। हम लोग किसी भी स्थिति में बिजली लेने लायक नहीं है। या तो बिजली विभाग हमें आश्वस्त करे या हम लोगों का कनेक्शन काट दे। टोटल वह तार को चार्ज करने के लिए बिजली देती है, जबकि बिजली आप उपभोक्ता को मिलना चाहिए। तो वो हम लोग को आश्वस्त कर दे कि हम लोग का कनेक्शन काटे, हम लोग बिजली नहीं चलाएंगे, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे। आज अगर हम लोग सड़क जाम पर उतरे हुए हैं, उग्र आंदोलन किए हुए हैं, बहुत सारे लोग बाधित हैं। हमें खेद है कि बहुत सारे जनता लोग बाधित है, बहुत सारे पब्लिक बाधित है, शादी विवाह का लगन है, लेकिन हम लोग मजबूरी में आज सड़क पर उतरे हैं। हमें विभाग लाकर आश्वस्त कर दे कि हम या तो हमारा आप कनेक्शन काट दीजिए या तो हमको अभी से बिजली आपूर्ति बहाल कीजिए। जो उपयुक्त है आप हमको बहुत ज़्यादा आप नहीं दे पाइएगा, कम से कम हमको 15 से 16 घंटा कम से कम इस गर्मी में, भीषण गर्मी में दीजिए, जिससे कि हम लोग रहने लायक रहें। और अब हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।